प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे आरजू कासमी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे गहरी पकड़ और खास नॉलेज रखते हैं। और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि आपको बताएंगे पाकिस्तान के भी हालात। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। सर एहसास तो किसी को नहीं हो रहा सर, मरियम नवाज कह रही है जी वो हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाया करेंगी, दूसरी तरफ उन्होंने 2 करोड़ और 73 लाख रुपीस का उन्होंने कहा जी टायर चेंज होंगे उनकी गाड़ी के। बिल्कुल, और उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, कहते हैं जी वो इसकी जो मर्सिडीज की रिकमेंडेशन थी वो 10,000 किलोमीटर पे थी, हम तो 25,000 किलोमीटर के ऊपर टायर चेंज। और यार जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ता है, अंडे दो बच्चे दो जो मर्जी करो, आपको पूछने वाला जो कोई नहीं है, आप जो मर्जी करो आपको कौन पूछ सकता है। उनके दो भाई आ चुके हैं लंदन से, उनके केस खत्म हो चुके हैं, और अभी तक पूरी कौम को 250 मिलियन लोगों को यह नहीं पता कि वो अपार्टमेंट किनके हैं, आज भी नहीं पता किसे। मेरे एक बहुत मोहतरम जर्नलिस्ट हैं खान साहब, उनका क्या नाम है जी, कामरान खान साहब, नहीं कामरान खान नहीं है, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका बड़ा उनका ब्लॉग बड़े, उन्होंने इंटरव्यू किया शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा यार आपके भतीजे फॉरेन सिटीजन, उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पता यार उनकी नेशनैलिटी क्या है, मेरे भतीजे का, मैं जानता हूं उनको, यार माय नेफ्यूज, पर मुझे नेशनैलिटी का नहीं पता कि वो रशियन है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है, फ्रेंच है, क्या मुझे नहीं पता। फिर उनसे कहा कि वो अपार्टमेंट किनके, कहते जी मुझे नहीं पता। और इन्हीं अपार्टमेंटों की वजह से उनका नाम पनामा लीक में था, हुकूमत गिर गई, पाकिस्तान तबाह हो गया, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता उन अपार्टमेंट्स का मालिक कौन। और आपकी मैडम चीफ मिनिस्टर मैडम की जिसकी बात कर रही है, उन्होंने कहा ना मेरा घर ही कोई नहीं है, मेरा ना घर इंग्लैंड में है ना पाकिस्तान में है ना, कहते हम तो खाना बदोश है भाई, हमें तो मेरा तो घर ही कोई गाड़ी तक नहीं है, मेरे मुर्शद है उनकी 2 बकरियां और 4 मुर्गियां हैं उनकी, उन्होंने डिक्लेयर की नहीं अपने टैक्स रिटर्न। देखिए किस तरह रियासत मदीना के लोग कहते मेरे पास तो जाते, कहते 4 मुर्गियां, हेलीकॉप्टर से उतरते ही नहीं लोग, जो आता है हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं हमारे। लेकिन आरजू हालात पाकिस्तान के, मुझे ये बताएं आपने आने वाले कुछ सालों के अंदर आपने $72 बिलियन कर्जा वापस करना है, टोटल कर्जा आपका 85-86 बिलियन डॉलर है, ये क्या क्या मेरा मकसद, किसी के पास कोई सलूशन इसका है, कोई सोच रहा है इसके वतन, इसको कहते हैं ना वतन अजीज, इसके बारे में कुछ सोच रहा है कि हम क्या है, हम कहां जा रहे हैं, ये कौम है इसका क्या बनेगा। ये जो सामने खड़े लौंडे लपाड़े हैं जो उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, गजा के लिए जिहाद की तैयारियां करते हैं सुबह शाम, ये क्या करेंगे, ये किसको खाएंगे, ये किसको खाएंगे, खाना तो इनको मिलता नहीं, किसको खाएंगे। चले मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी, उस पर भी कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उधर वाले कह देते हैं ये ISI का एजेंट है, इधर वाले कह देते हैं रा का एजेंट है, लेकिन दोनों को मेरा यही मशवरा है कि यार आप इसी स्टेटस को में चलना चाहते हो 76 साल के बाद भी, तुम भी नफरत करते हो ये भी नफरत करते हैं, तुम भी गालियां निकालते हो ये भी गालियां निकालते हैं, आगे जा सकोगे। वो भाई 8.4% आपकी जो ग्रोथ चल रही है, पड़ोस में आग लगी हो कितना अरसा आप एंजॉय कर लोगे भाई उसको। हाँ उस पर मैं बताना चाहूंगा, खासकर इसी अगले टॉपिक पे आना चाहूंगा जी, भाई चाइना मसल फ्लैक्स कर रहा है। आज बल्कि जब मैं देखा, एक तो मैंने आपको पहले बताया है कि उन्होंने करप्शन, आपको पता है चाइनीज कल्चर का हिस्सा है वो, जहां जाते करप्शन, देखे ना उन्होंने 26 बिलियन का तोहफा आपको दे दिया CPAC का, आप 26 बिलियन डॉलर खा गए, आपने पिज्जे बना लिए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तो खरीद लिया, ठीक है कभी लीज पे ले लेते हैं कभी छोड़ देते हैं, अब अमेरिकन भाईजान है वो, क्योंकि चाइना मैक्स मसल फ्लैक्स कर रहा है, आप वो अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, उनको भी वहां कोई चाहिए, कोई दुकान अपनी छोटी मोटी खोलें तो वो कभी दे देते हैं, IMF खुद तो नहीं देते, IMF को कहते हैं यार इनको पैसे दे दो ये मरी ना जाएंगे। चले आगे चलते हैं, जो हैरानगी वाली बात है जो मेरे लिए तश्वीश थी, मालदीव में और श्रीलंका और नेपाल में तो जा रहे हैं वो पैसे दे रहे हैं,
वहां के करप्ट लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को पैसे वो दे रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को पैसे दे रहे हैं, तीन जो जो मैंने जो देखा है कि मसल किस तरह है उस रीजन, जिबूती, कंबोडिया, बर्मा, क्यूबा, गिनी, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तंजानिया और यूएई, मुसलसल इनके साथ वो डिफेंस भी डिस्कस करते हैं, उनके साथ रीजन में जाते, उनको पैसे भी, करप्शन भी, करप्शन में भी इन्वॉल्व है और सारा कुछ कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा इशू ये है दो मुल्कों के लिए उस रीजन के अंदर, भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका दोनों के लिए एक तश्वीशनाक खबर। अब वो जो लतीफा सुनाना था ये कि आपके चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो रशिया में इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए चलेगी। मैं यहाँ पे जो बाइडन साहब को मशवरा दूंगा कि यार पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है फेयर और स्पीडी इलेक्शन कराने के लिए, तो इलेक्शन यहां भी होने वाला है नवंबर में, तो बुला लें उनको और आप भी फायदा उठाएं उनकी एक्सपर्टीज से, रशिया के इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज फ्लोन टू रशिया। और दूसरा ये था, सुना है कि वो कनाडा में एज एम्बेसडर भी आ रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सर वो तो DGISI का भी सुना जा रहा है, नदीम अंजुम साहब आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं, वो तो अमेरिका आ रहे हैं, अमेरिका में भी तो जाहिर जरूरत है, अमेरिका भी बहुत देखिए अमेरिका भी बहुत बड़ा कंट्री है, हालांकि उसके हालात तो अपने खराब है। मगर सर ये तो सिविलियन जॉब नहीं है एम्बेसडर की, ये रिटायर्ड फौजी क्यों लग जाते हैं जा के हर जगह? तो आप ये बताएं ना, ये जो हमारे जो करंट एम्बेसडर है वो ये कौन, ये भी तो ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड है, पहले आजाद के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, फिर यहाँ भी है, फिर ये तो फिर जब मैंने आपको कहा था जंगल का बादशाह है, अंडे दे बच्चे दे, आप कौन होते हैं पूछने वाले भी? आपको किसने ये इख्तियार दिया कि पूछें रिटायर हैं कि उधर हैं या इधर हैं? आप कौन हैं? यू आर नोबडी। सर मैं खामखा, मेरा नाम आजकल खामखा है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन ये भी अच्छा नाम है, कहते हैं आप कौन हो? मैं खामखा हूँ। ये कोई नहीं, किसी के कहने से आरजू क्या फर्क पड़ता है? मुझे किसी ने कहा था आप भैंस के सामने बीन बजाते हो, मैंने कहा यार बजाता रहूंगा, मैं जख्मी हूँ, गलती से पाकिस्तान से प्यार है, मुझे भारत से भी बड़ा प्यार है, क्योंकि ये 1947 में आप अलग अलग हुए हैं, उससे पहले आपकी हिस्ट्री बहुत बड़ी हिस्ट्री इकट्ठी है, मैं उसको भी पढ़ता हूँ और मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हर मजहब की इज्जत कर हर इंसान से प्यार करने की कोशिश करता हूँ, आगे उसकी मर्जी है वो करे या ना करे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं दो चीजें उसमें जो मेरे इसके पीछे मेरी दो चीजें जो जिस वजह से, एक तो रोमी ने कहा था, जो मौलाना रोमी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, उन्होंने कहा था कि लव इज द ओनली ब्रिज इन बिटवीन यू एंड द वर्ल्ड, एक तो ये। दूसरा जो डॉक्टर दीपक चोपड़ा से किसी ने पूछा था कि व्हाट इज द सीक्रेट टू अचीव हैप्पीनेस, तो उन्होंने कहा था कि दूसरे हर किसी को खुश करने की कोशिश करो, यू ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, यू विल बिकम हैप्पी। और तीसरा ये सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूं, जो मैंने ये सीक्रेट को डिस्क्लोज किया अपनी जिंदगी के ऊपर करके, कि हर एक की इज्जत करो, हर से प्यार करो, एंड यू विल गेन अ लॉट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ इट। मैंने किया इसको हर एक की इज्जत करके, हर एक से प्यार करके, और आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन। मेरा ये मैसेज है, बल्कि मेरा पैगाम है हर देखने वाले को, कोशिश करके देखो, नफरतों से कुछ नहीं, नफरतों से आप एक नेगेटिव पर्सन बन जाते हो, नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, यू इट विल मेक यू अ मिजरेबल पर्सन। मगर सर ये लोग सीपैक का भी बड़ा शोर कर रहे हैं, मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगी, एक तो सीपैक के हवाले से कि कुछ हुआ नहीं उसमें 10 साल से, मगर बार बार कहा जाता है कि जी दोबारा से सीपैक बनाना शुरू करेंगे, और साथ साथ टिकटॉक जो बैन किया जा रहा है अमेरिका में। देखिए टिकटॉक सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज कंपनी है, उसकी मालिक है, भारत ने उसको बैन कर दिया, भारत एक बहुत बड़ी मार्केट, इसमें क्वेश्चन नहीं। मेरे ख्याल में क्वेश्चन ये होगा, क्या चाइनीज दे आर ट्रस्टवर्दी, आर दे ट्रस्टवर्दी? मेरे ख्याल में मुझे, मैं खुद 50-50 हूं उसमें, मुझे खुद इस चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि चाइनीज कल्चर जो है बहुत अजीब सा है, उसके अंदर मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं है, हालांकि उनका जो CEO है वो राहुल सिंगापुर या हांगकांग का बना है, यहाँ पे जो कैपिटल हिल पे हियरिंग में था, और होगा नहीं, इसको बैन किया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की आवाजें हैं कि उनको बैन करना इस अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हाउस में जाएगा, हाउस के बाद बाइडन साहब, तो खैर उनको बेचारों को क्या पता है टिकटॉक किस बला का नाम है,
वो तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन देखें ओबामा साहब इसके बारे में क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसके बारे में स्टेटमेंट दी है, वो खुद एंटी टिकटॉक थे अपने पीरियड के अंदर, लेकिन आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर टिकटॉक को बैन किया गया तो फेसबुक जो है वो तकवीयत हासिल कर लेगा और दैट इज वर्स देन टिकटॉक, वो आज उनकी ये स्टेटमेंट थी। इलॉन मस्क ने भी उसके बारे में अपना अपने इतराजात का इजहार किया है। रेगुलेट करना चाहिए मेरे ख्याल में, और प्रपोजल ये है कि वो कहते हैं कि टिकटॉक को कोई अमेरिकन कंपनी खरीद ले, और उसके बारे में एक डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड के अंदर एक कैबिनेट मेंबर थे, उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी शो किया है उसको खरीदने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके 100 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन और दूसरा कुछ और कंपनियां दूसरी हैं जो इस वक्त टिकटॉक को कम्पीट करने की कोशिश भी कर रही हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम है, इस तरह और कई कंपनियां हैं, लेकिन अल्टीमेटली टिकटॉक हैज बिकम अ लेजेंड नेम इटसेल्फ। और आज कैपिटल हिल के सामने मुजाहरा भी किया कई अमेरिकन ने जो खासकर उनके साथ अटैच हैं मार्केटिंग में, और उसके अंदर जो जो उनके साथ उनका बिजनेस अटैच है टिकटॉक के, दे हैव अ प्रोटेस्ट ऑन द कैपिटल हिल आज। लेकिन ये खबर जो है काफी है, लेकिन भारत के अंदर उन्होंने बंद कर दिया था इसको, और दे आर सर्वाइविंग इट विदाउट इट, सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। अगर आपको सीरियस खदशात है नेशनल सिक्योरिटी आपकी, अगर किसी चीज तरीके से जेपरडाइज हो रही है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। मैं तो इसमें मेरी ओपिनियन यही है कि आपके पास ठोस शवाहिद मौजूद होने चाहिए कि दे विल दे आर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद तारस आपका ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह इनके पॉजिटिव एनालिसिस से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन्होंने ना सिर्फ बात की पाकिस्तान के हालात के बारे में बल्कि बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और खासकर जैसे कि हम जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर पे गहमा गहमी हो रही है, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश गए थे, जिसकी वजह से चाइना को काफी ज्यादा तकलीफ हुई है, और हम जानते हैं कि चाइना अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के पास काफी सारे मिलिट्री गांव बसा रहा है। और बाकी अगर हम बात करें तो हमें पूरा यकीन है अपने भारत सरकार पे, और हम मानते हैं कि भारत सरकार की इसके ऊपर पूरी नजर होगी। और दूसरी ओर जब बात की टिकटॉक की, तो मुझे ये भी याद है कि भारत सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया था टिकटॉक बैन करने का, देश की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।